नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर दिन रविवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षकों को शर्त के साथ मिलेगी सैलरी, 7 दिनों में डेटा अपलोड करना अनिवार्य, बिना सत्यापन के रोक दी जाएगी सैलरी। सीआरडी पुस्तक मेला 2024 का आयोजन गांधी मैदान में 6 से 17 दिसंबर तक होगा आयोजित। शारदा सिन्हा और उषा किरण खान को समर्पित मेला। बिहार में पर्यटन का ग्राफ बढ़ा, 4.22 करोड़ पर्यटक पहुंचे बिहार, विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि। बिहार में जमीन सर्वे ऑनलाइन सेवा ठप, 25 अक्टूबर से बंद है सेवाएं, प्रयास जारी, मंत्री दिलीप ने समाधान के दिए निर्देश। पीएम इंटर्नशिप योजना की आखिरी तारीख आज, pminternship.mca.gov.in पर करे आवेदन, चयनित युवाओं को भेजे जाएंगे ऑफर लेटर। क्या होता है बीएच नंबर प्लेट, बीएच नंबर प्लेट के फायदे क्या हैं, जानिए इसे कौन हासिल कर सकता है। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज, दूसरे T20 में भारतीय टीम की नजरें सीरीज पर, टीवी चैनल स्पोर्ट्स 18 पर फ्री में देख सकेंगे मैच। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने सहायक प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये भर्ती कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए की जाएंगी। कुल 27 पदों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं, जिसमें 8 पद अनारक्षित हैं। इन रिक्तियों में 4 पद EWS, 9 OBC, 4 SC और 2 ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं। उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, कॉलेज और संस्थान से मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु सीमा सामान्य या EWS के लिए 30 वर्ष, OBC के लिए 33 वर्ष और SC ST के लिए 35 वर्ष है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर 2024 तक UPSC के आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब सभी विश्वविद्यालयों को अपने कर्मचारियों का डेटा पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर 7 दिनों के भीतर अपलोड करना होगा, अन्यथा अक्टूबर नवंबर का वेतन भुगतान रोका जा सकता है। इसके अलावा जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन सत्यापन नहीं हुआ है, उनका सत्यापन भी अनिवार्य किया जाएगा। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह तक विश्वविद्यालयों को आवंटित राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध कराना होगा। जनवरी से ऑनलाइन बजट अपलोड की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। बिहारी बर्थडे में आज हम बात करेंगे सचिदानंद सिन्हा की। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जिनका जन्म 10 नवंबर 1871 को बिहार के बक्सर जिले के मुरार गांव में हुआ था, वे भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने 1910 में केंद्र विधान परिषद में राजनीति में कदम रखा और 1921 में बिहार के अर्थ सचिव और कानून मंत्री के रूप में राज्य की तरक्की के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। पटना विश्वविद्यालय में उप कुलपति भी रह चुके हैं और उन्होंने शिक्षा में नवाचार भी किए। उनकी दूरदर्शिता के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें प्रीवी काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया। डॉक्टर सिन्हा ने इंडियन पीपल्स और हिंदुस्तान रिव्यू जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। उनके योगदान को सम्मानित करते हुए पटना में उनके नाम पर सिन्हा पुस्तकालय स्थापित किया गया था। इस साल सीआरडी द्वारा आयोजित होने वाला भव्य पुस्तक मेला 6 दिसंबर से 17 दिसंबर 2024 तक गांधी मैदान में आयोजित होगा। मेला की थीम पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण बदलो अभी रखी गई है, जिसके माध्यम से आयोजक पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। इस बार मेला 2 प्रतिष्ठित हस्तियों, प्रसिद्ध गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा और चर्चित लेखिका उषा किरण खान को समर्पित किया गया है। मेले में इस बार विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें सिनेमा, उनेमा, कला दीर्घा, जन संवाद, नुक्कड़ नाटक, कविता पाठ और किस्सा गोई जैसे आकर्षक आयोजनों का समावेश होगा।
पश्चिम चंपारण के श्रम संसाधन विभाग और जिला नियोजनालय के सहयोग से आगामी 15 नवंबर को बेतिया के आईटीआई परिसर में एक दिवसीय जिला स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला आयोजित किया जाएगा। इस मेले में आईटी, स्वास्थ्य, खुदरा विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। 10वीं 12वीं आईटीआई स्नातक और उससे ऊपर की योग्यता रखने वाले युवाओं के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। मेले में भाग लेने के लिए पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है, जो नियोजनालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। पंजीकरण के बाद ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत 183 सतही सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो अगले साल मार्च तक पूरी होंगी। इन योजनाओं का क्रियान्वयन दो चरणों में होगा, जिसमें पहले चरण में 4 जिलों और दूसरे चरण में 15 जिलों को शामिल किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत आहार पइन, तालाब और पोखरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, ताकि किसानों की सिंचाई के लिए बाहरी जल स्रोतों पर निर्भरता कम की जा सके। इस परियोजना के लिए 213 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें 67 करोड़ रुपए तत्काल जारी किए गए। नाबार्ड बिहार इस योजना में सहयोग करेगा और कार्यपालक अभियंताओं को स्थलीय जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पर्यटन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। 2024 के अगस्त तक राज्य के विभिन्न पर्यटन केंद्रों पर कुल 4.22 करोड़ पर्यटक पहुंचे, जिनमें से 2.92 लाख विदेशी पर्यटक थे। पटना, राजगीर, गया, बोधगया, नालंदा और वैशाली जैसे ऐतिहासिक स्थल अब देश विदेश के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र बन चुके हैं। खासतौर पर राजगीर में जंगल सफारी और ग्लास ब्रिज जैसे एडवेंचर ने पर्यटकों को आकर्षित किया है। इस वर्ष पटना में 45 लाख से अधिक देशी पर्यटक आए, राजगीर में 14.97 लाख और बोधगया में 13.62 लाख पर्यटक पहुंचे। बिहार के सभी 101 अनुमंडलों पर बुनियाद केंद्र का संचालन हो रहा है, जहां दूर दराज या सुदूर या ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाकर वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवाओं को सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से सभी जिला स्तरीय बुनियाद केंद्र पर बुनियाद संजीवनी सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। बुनियाद संजीवनी सेवा एक मोबाइल थेरेपी वैन है, जहां इन जरूरतमंदों को फिजियोथेरेपी सेवाएं, वॉक और श्रवण संबंधी सेवाएं, नेत्र संबंधी सेवा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सेवा, दिव्यांगता संबंधी सेवा, परामर्श सेवा, दूरस्थ सेवा, विशेष वृद्धजन सेवा और आश्रय सेवा आदि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। किसी तरह की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क कर सकते हैं। आज 10 नवंबर को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि इसी दिन लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु और शिव को आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराया था, जिसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा भी महत्वपूर्ण है। अक्षय नवमी पर विशेष रूप से दान पुण्य कार्य, स्नान, पूजन और अन्न दान का महत्व बढ़ जाता है, जो जीवन में अक्षय फल की प्राप्ति का कारण बनता है। आंवले का सेवन शरीर को स्वस्थ रखने और आयु में वृद्धि करने में भी सहायक होता है। बीएच नंबर सरकारी कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी, बैंक कर्मचारी और निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, तो वहीं 4 से ज़्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में जिस प्राइवेट फर्म का ऑफिस हो उसके कर्मचारी भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएच नंबर प्लेट का प्रमुख फायदा ये है कि ये एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वाहन पूरे देश में बिना किसी अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन के चल सकता है। इस नंबर प्लेट को हासिल करने के लिए कर्मचारियों को मोर्थ यानी MORTH के वाहन पोर्टल पर जाकर फॉर्म 20 भरना होता है। वहीं प्राइवेट फॉर्म के कर्मचारियों को फॉर्म 16 भरना होगा। इसके बाद पात्रता की जांच के बाद शुल्क का भुगतान करके वाहन के लिए बीएच नंबर प्लेट प्राप्त की जा सकती है। हालांकि ट्रांसपोर्ट कारियों को ये नंबर प्लेट नहीं मिल सकती और हर कोई इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। बिहार के 5 लाख शिक्षकों को अटेंडेंस पंच में राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि लेट पंच को अब ई शिक्षा कोर्स पर अपडेट किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, वे सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार काम कर सकते हैं। नए नियम के तहत अगर शिक्षक 4 दिन तक स्कूल लेट पहुँचते हैं तो एक कैजुअल लीव गंवानी पड़ेगी, लेकिन 10 मिनट की रियायत दी जा सकती है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए कंप्यूटर शिक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है, जो अगले सत्र में लागू होगा।
ये पाठ्यक्रम भविष्य में प्राथमिक कक्षाओं में भी विस्तारित किया जाएगा। स्कूलों में अब संगीत कक्षाओं की टाइमिंग हेडमास्टर के हाथों में होगी। बिहार के पूर्व आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा को बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। 1982 बैच के आईएएस अधिकारी शिशिर सिन्हा को ये जिम्मेदारी खेल विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद सौंपी गई है। शिशिर सिन्हा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने बिहार के विकास आयुक्त के रूप में भी अहम भूमिका निभाई थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन के रूप में भी महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इन दिनों छोटी सी लापरवाही के कारण भी कई बड़ी सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इसलिए सड़क पर चलने के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए गाड़ी दाएं और बाएं मोड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेत जरूर दें। रेल फाटक या लाइन पार करते समय रेलवे लाइन के दोनों तरफ देखकर ध्यान से पार करें। गाड़ी की समय समय पर सर्विसिंग करवाते रहें। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएं। नए कानून के मुताबिक घायल का इलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। किसी तरह की परेशानी पर हेल्पलाइन नंबर 0612-229-4205 और टोल फ्री नंबर 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा प्लान तलाश रहे हैं जो सस्ता हो और उसमें बेनिफिट भी अच्छे मिलते हों, तो रिलायंस जियो के 198 रुपये का प्रीपेड प्लान आपके लिए बेहतर है। इसमें 14 दिनों की वैलिडिटी के साथ 28 GB डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। इस प्लान में रोजाना 2 GB डेटा मिलता है और डेली डेटा खत्म होने के बाद उपयोगकर्ताओं को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, लेकिन ये केवल 5G सक्रिय इलाकों में ही उपलब्ध होगा। साथ ही प्लान में रोजाना 100 SMS की सुविधा भी दी जाती है। बिहार में जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन में पिछले 15 दिनों से समस्या आ रही है। 25 अक्टूबर से राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in/rayat पर का संदेश लगातार दिखाई दे रहा है, जिससे लोग आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं। राजस्व विभाग की वेबसाइट पर रन टाइम एरर के कारण रैयतों को आवेदन में कठिनाई हो रही है। ये समस्या 25 अक्टूबर से जारी है। इस पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विभाग के सचिव से बातचीत कर समाधान के निर्देश दिए हैं। विभाग राज्य के डेटा सेंटर और बेल्ट्रॉन से संपर्क करके जल्द सर्वर समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 10 नवंबर के बाद से प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है। फिलहाल मौसम सुस्त बना हुआ है, लेकिन इस तारीख से तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी। यूं तो आम तौर पर दिवाली और छठ तक ठंड का एहसास होने लगता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि अब सुबह और शाम के वक्त हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 नवंबर के बाद से सर्दी में तेजी से इजाफा होगा, यानी कि इस बार सर्दी आने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन जब आएगी तो पूरी रफ्तार से आएगी। बेतिया जिले के बगहा के पांकर गांव के रहने वाले राजा यादव, जिन्हें लोग बिहार का टार्जन कहते हैं, अपनी शारीरिक क्षमता और कड़ी मेहनत से सुर्खियों में हैं। राजा ने कभी आधुनिक ट्रेनिंग उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया। वे कच्ची सड़कों और जंगलों में दौड़कर 3000 पुशअप्स और कठिन ट्रेनिंग करते हुए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाते हैं। उनका सपना है कि राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतें, जो उनके पिता का अधूरा सपना था। राजा का सोशल मीडिया पर उनके दौड़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे गाड़ियों के साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वे दावा करते हैं कि 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वे दौड़ते हैं। आज यानी 10 नवंबर तक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि है। इच्छुक युवा pminternship.mca.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 10 नवंबर के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो बंद कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं को न सिर्फ सीखने का अवसर मिलेगा, बल्कि नेटवर्क बनाने का भी बेहतरीन मौका मिलेगा। युवाओं को आवेदन के दौरान 5 इंटर्नशिप विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद कंपनियों की ओर से चयनित युवाओं को ऑफर लेटर भेजे जाएंगे और इंटर्नशिप का सिलसिला 2 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप मुकाबले में मध्य प्रदेश ने बिहार को एक पारी और 108 रनों से हराया है। ये बिहार के लिए लगातार तीसरी हार रही है। इससे पहले उन्हें हरियाणा और कर्नाटक से भी शिकस्त मिली थी।
इस मैच में मध्य प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 616 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में बिहार की टीम पहली पारी में 347 रन पर सिमट गई, जिसके बाद उन्हें फॉलो ऑन खेलना पड़ा। चौथे दिन बिहार ने तीसरे दिन के स्कोर 331 रन पर 8 विकेट से आगे खेलना शुरू किया, लेकिन उन्हें जल्द ही झटके लगने शुरू हो गए। पहले शब्बीर खान सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और फिर कप्तान वीर प्रताप सिंह भी सारांश जैन की गेंद पर बोल्ड हो गए। इस शानदार प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के कप्तान शुभम शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है, जिन्होंने 240 रनों की शानदार पारी खेली। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के बीएड कॉलेजों के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट यानी पीआर जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। पहले ये तारीख 10 नवंबर थी। कॉलेजों को 2021 से 22 और 2022 से 23 शैक्षिक सत्रों की विस्तृत जानकारी देनी होगी, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट, छात्रों की संख्या, शिक्षक तैनाती और विकास कार्यों का विवरण शामिल है। साथ ही कॉलेजों को अपनी वेबसाइट की स्थिति, पैन कार्ड विवरण और भवन की तस्वीरें जियो टैग के साथ अपलोड करनी होगी। NCTE ने कॉलेजों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि दी गई जानकारी सही और सत्य है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के 35वें जन्मदिन पर उनके पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक भावुक पत्र लिखा। इस पत्र में लालू यादव ने तेजस्वी को समाजवाद, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में हमेशा समर्पित रहने की सलाह दी और बिहार की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। लालू ने लिखा कि तेजस्वी ने 35 साल की उम्र में कई उतार चढ़ाव देखे हैं और वो अपने पिता के आदर्शों पर अमल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी को युवाओं के लिए नौकरी और समाज के हक की रक्षा का वादा पूरा करने का भी निर्देश दिया है। पत्र के साथ लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी की बचपन की कुछ प्यारी तस्वीरें भी साझा की हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रैली में कहा है कि अटल जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और वे हमेशा बीजेपी के समर्थन को नहीं भूल सकते। नीतीश कुमार ने यह भी स्वीकार किया कि दो बार उन्होंने NDA का साथ छोड़कर RJD से समझौता किया था, लेकिन जब उन्हें यह महसूस हुआ कि वे गलत थे तो उन्होंने बीजेपी के साथ अपने रिश्ते को फिर से सही किया। उन्होंने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन पर भी तीखा हमला किया, कहा कि जनता ऐसी राजनीति नहीं चाहती। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का दूसरा मैच आज सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने पहले मैच में 61 रन से शानदार जीत हासिल की थी, जिसमें संजू सैमसन की शतकीय पारी ने सभी का ध्यान खींचा। सैमसन ने 50 गेंदों पर 107 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के और 7 चौके शामिल थे। तिलक वर्मा ने भी 18 गेंदों पर 33 रन बनाकर टीम को 202 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 141 रनों पर समेट कर जीत दर्ज की। ये मुकाबला आज भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और इसे स्पोर्ट्स 18 पर फ्री में देखा जा सकेगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2001 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। आज के दिन वर्ष 2008 में भारत और कतर संबंधों को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज के दिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी और सार्वजनिक क्षेत्र की आंध्र बैंक ने अपनी मुख्य उधारी दर में 0.75% की कटौती की थी। नासा ने मंगल ग्रह के लिए अपने फिनिक्स मिशन के समापन की घोषणा की थी। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। IBJA के आंकड़ों के अनुसार 2 नवंबर को सोना 78,425 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था, जो बीते 9 नवंबर को गिरकर 77,382 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इस प्रकार सोने की कीमत में इस हफ्ते 1,043 रुपये की कमी आई है। वहीं चांदी के दामों में भी गिरावट देखने को मिली है। पिछले शनिवार चांदी की कीमत 93,501 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो अब घटकर 91,130 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। इस तरह चांदी के दामों में इस हफ्ते 2,371 रुपये की गिरावट आई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है गोवा। इसका सही उत्तर है गोवा। वर्तमान में भारत के 6 से 23 माह के कितने प्रतिशत बच्चों को WHO द्वारा सुझाया गया पोषक आहार नहीं मिल पाता है?
ऑप्शन ए 77%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 89%, ऑप्शन डी है 87%। इसका सही उत्तर 77%। विश्व जेलीफिश दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 2 नवंबर, ऑप्शन सी है 3 नवंबर, ऑप्शन डी है 4 नवंबर। इसका सही उत्तर है 3 नवंबर। बिहार का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 5 सितंबर 1912, ऑप्शन बी है 22 मार्च 1912, ऑप्शन सी है 28 जनवरी 1912, ऑप्शन डी है 1 अगस्त 1912। इसका सही उत्तर है 22 मार्च 1912। बिहार की राज्य प्रार्थना कौन सी है? ऑप्शन ए है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच, ऑप्शन बी है इतनी शक्ति हमें देना दाता, ऑप्शन सी है लप्पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ऑप्शन डी है जनगण मन अधिनायक की जय हो। इसका सही उत्तर है मेरे रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है मोतीलाल कुमार, धर्मेंद्र कुमार, सोनू राज, राजीव कुमार, विनय कुमार, उमेश ऋषिदेव, राकेश मिश्रा, बबलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, अखिलेश कुमार, रवि मोहन वर्मा, संगीता कुमारी, आयुष रैना, मिंटू कुमार, विनय राज, महेश, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, सपना कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, प्रिंस कुमार, उत्तम कुमार, राम बाबू दास, विजय घायल, विद्यासागर, रंजीत मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या डिजिटल लेन देन ने आम जनता की जिंदगी को आसान किया है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।